तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो हमने कल देखे थे कॉजेज देखे थे, ठीक है, एटियोलॉजी जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। तो सिंस द हीमोग्लोबिन रिड्यूस्ड इन द ब्लड, इट कॉजेज पेननेस ऑन सर्टेन बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। सो हीमोग्लोबिन जो है वो रिड्यूस होने की वजह से, ठीक है, जो पेलनेस आती है स्किन पे, ठीक है, या फिर जो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और स्पेशली आपने देखा होगा कि आंखों के अंडर जो है, ठीक है, नीचे में जो ब्लैक हम बोलते हैं, ब्लैक हो गए, ठीक है, पर वहां पे कभी कभी हम आप देखोगे कि पेलर स्किन हो जाती है, ठीक है। तो पेलनेस ये एक साइन है, ठीक है, एनीमिया का, ठीक है। सो यहाँ पे जो है, या अगर इनिशियली अगर बात करें, ठीक है, तो जनरली कंजक्टिवा जो है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जनरली हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है माउथ जो होता है, ठीक है, तो वहां पे भी हम देख सकते हैं जो है, उसके साथ में जब हीमोग्लोबिन यहाँ पे बहुत जरूरी होता है एनीमिक पेशेंट के लिए, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, सो वो ऑक्सीजन जो है वो कैरी करने में कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, ठीक। तो आगे या ये भी दिया हुआ है, तो सिंस हीमोग्लोबिन इज इम्पोर्टेंट फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन द बॉडी, एनीमिक इंडिविजुअल्स डेवलप ब्रेथलेसनेस इवन ऑन माइल्डर एक्सर्शन, राइट। सो माइल्डर भी एक्सर्शन हुआ तो भी ब्रेथलेसनेस होने लगती है इंडिविजुअल को, ठीक है। सो दीज मैनिफेस्टेशन एग्जिस्ट अमॉन्ग अडल्ट, स्पेशली इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन। The nails of fingers and toes become papery, thin, and bend upward to assume shape of spoon. ठीक है, so यहाँ पे ये एक साइन जो है, ठीक है, so वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है जहाँ पे जो हम बोल सकते हैं कि जो फिंगर्स है या फिर टोज है, ठीक है, वो पेपरी हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं बहुत, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कोइलोनचिया, ठीक है। सो कोइलोनचिया जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो फिंगर्स है या फिर टोज है, ठीक है, वो पेपरी हो जाते हैं। पेपरी यानी आपने देखा होगा स्किन निकलने लगती है, राइट, व्हाइट कलर की जो ऊपर की स्किन है, ठीक, वो वहां पे निकलने लगती है। और जो हम बोल सकते हैं कि जो टोज है, ठीक है, सो वह ऐसे अपवर्ड होने लगते हैं, ये स्पून शेप की, तो इस तरह से। यहाँ पे नीचे बोला है, इन सीवियर केसेस ऑफ एनीमिया पर्टिकुलर अमंग प्रेग्नेंट वुमन, इडिमा इज आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। सो इडिमा यानी आपको पता है पीठ के ऊपर स्वेलिंग आने लगती है, सो ये भी हम एक साइन जो है हम देख सकते हैं एनीमिया का, ठीक है। और इससे रिलेटेड फिर अदर मैनिफेस्टेशन जो है यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, हमने देखा पेलनेस ऑफ कंजक्टिवा, वो उसके बाद टंग जो है उसमें भी पेलनेस आती है, ठीक है। जो सॉफ्ट पैलेट है हमारी, म्यूकोसा कहते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी पेलनेस आने लगती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो लो हो जाता है, ठीक है, फिट के ऊपर स्वेलिंग आने लगती है, ठीक है। और कोइलोनचिया की कंडीशन यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें, ठीक है, तो ट्रीटमेंट में जनरली ओरल आयन इज प्रेफर्ड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ आईडी, ठीक है। ओरल आयन टैबलेट्स होती है वो जनरली प्रेफर की जाती है, और ये जो यहाँ पे लिखा है डोजेस डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन, ठीक है। सो जो डोजेस है, ठीक है, सो वो सीवियरिटी के हिसाब से जनरली डिसाइड किया जाता है, ठीक है। सो जनरली इन मॉडरेट सीवियर एनीमिया टू टैबलेट्स ऑफ फेरोसिलेट each equivalent to 100 mg of elemental iron are given, ठीक है। कभी कभी इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे गैस्ट्रिक इरिटेशन है, या फिर कॉन्स्टिपेशन है, ब्लैक ब्लैक कलर की स्टूल है, ठीक है, जॉइंट में पेन है, ठीक है। सो इस तरह से कुछ कुछ पेशेंट में जनरली हम एलर्जीज जो बोलेंगे या फिर साइड इफेक्ट जो बोलेंगे वो हमको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर ऐसी
कंडीशंस आती है या फिर ऐसी साइड इफेक्ट्स अगर दिखाई देती है, ये जो ट्रीटमेंट है ठीक है वो डिसकंटिन्यू की जाती है ठीक है। तो उनको फिर बाद में अगर ये टैबलेट जो है उन्होंने अगर बंद कर दिया ठीक है, तो उनको फिर जो है ये जो टैबलेट होती है ठीक है, तो यानी एक तो बंद कर दी जाती है, और कभी कभी जो है अगर ये अगर ऐसी एलर्जी अगर नहीं हुई राइट, तो ऐसी जो टैबलेट होती है वो खाने के बाद जो है वो सजेस्ट की जाती है ठीक है। अगर सीवियर एनीमिया की अगर बात करें जहाँ पे लेस देन 5-7 ग्राम पर डीएल के हिसाब से जो है हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है ठीक है, तो वहाँ पे पैक सेल ट्रांसफ्यूजन जो है ठीक है वो रिकमेंड किया जाता है वहाँ पे ठीक है। उसके साथ में पैरेंटल पैरेंटल जो आयन थेरेपी है वो एडवाइस की जाती है ठीक है। कब की जाती है पैरेंटल? जब ओरल जो है ओरली आयन जो है वो नहीं लिया जाता ठीक है, पेशेंट जो है यानी हम बोल सकते हैं कि टॉलरेट नहीं कर सकता राइट, तो ऐसी कंडीशन में जो है पैरेंटल थेरेपी जो है उसका यूज किया जाता है ठीक है। अगर किनी यानी कुछ पेशेंट्स है ठीक है, अगर उनको कुछ एलर्जिक रिएक्शन वगैरह वगैरह है ठीक है, तो उनको फिर जो है डॉक्टर के सजेशन के साथ यानी हम बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में यानी जो है अगर क्रिटिकल सिचुएशन अगर होती है तो हॉस्पिटल से हॉस्पिटल में हम लेके जाते हैं, तो डॉक्टर जो है घर में ही जो है ट्रीटमेंट को बताते हैं यानी टैबलेट्स के थ्रू जो भी डोजेस है उसके थ्रू। उसके बाद हम देखते हैं कि जो है प्रिवेंशन ऑफ आईडीए तो प्रिवेंशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी आनी है, सो यहाँ पे है सप्लीमेंटेशन है, फूड फोर्टिफिकेशन है, डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन है, एजुकेशन है एंड हेल्थ केयर राइट। सो अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी का अगर केस है उसके करेक्शन एंड प्रिवेंशन के लिए जनरली प्रिवेंशन के लिए जनरली हम बोल देख सकते हैं कि अगर आयन का कंटेंट कितना है ठीक है हमारे डाइट में ठीक है, वो एक हम बोल सकते हैं कि आयन की एक्चुअली आयन की डेफिशिएंसी है, तो इसके लिए आयन का कंटेंट जो है वो पता होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की बहुत जरूरी होती है ठीक है। तो अगर पहला हम बात करें सप्लीमेंटेशन ओके। सो हम देख रहे थे कि सप्लीमेंटेशन ठीक है,
सप्लीमेंटेशन में हम देखते हैं कि जनरली अगर एनीमिया रहा, ठीक है, सो जनरली आयरन के लो डोजेस जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में सप्लीमेंटेशन की अगर बात करें, इसको आयरन जो है फोर्टिफाइड वे में भी जो है दिया जाता है, ठीक है। और अगर सपोज डाइट के थ्रू नहीं मिल पा रहा है आयरन कंटेंट उतना, नहीं तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट जो है वो दिए जाते हैं। उसके बाद में जो अगर सप्लीमेंटेशन की बात करें तो जो भी आयरन पिल्स हैं, ठीक है, तो उनका कंजम्पशन जो है वो करना है वो डॉक्टर के थ्रू बताया जाता है। उसके बाद सिरप है, सिरप्स हैं आयरन सिरप्स है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी पेशेंट है उनका आयरन स्टोर जो है, ठीक है, वो फिर से रिस्टोर करने के लिए जनरली आयरन सप्लीमेंट्स हम उनको देते हैं ताकि एचबी लेवल जो है वो मेंटेन रहे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो भी यानी डाइट जो है वो इम्प्रूव करना, ठीक है, और जो फोर्टिफाइड है, ठीक है, वो देना ताकि यानी जो आयरन कंटेंट है इंडिविजुअल का वो मेंटेन हो सके, ठीक है। और जो है इसी तरह हम आयरन डेफिशिएंसी जो है एनीमिया वो प्रिवेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो के बाद में तो जनरली ये जो हम देखते हैं कि न्यूट्रिशनल एनीमिया की अगर बात करें, ठीक है, तो एक प्रोग्राम जो है नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिक कंट्रोल प्रोग्राम 1970 में जो है निकला था ताकि जो है एनीमिक कंडीशन को रोका जा सके, ठीक है, प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम था। तो यहाँ पे जनरली जो है इस प्रोग्राम के दौरान जो है, ठीक है, जो भी बेनिफिशरीज है, ठीक है, तो उनको एक टैबलेट जो है, ठीक है, तो वो वहाँ पे मिली थी जहाँ पे आयरन एंड फॉलिक एसिड जो है, ठीक है, तो वो वहाँ पे दिया गया था, जो इसको पॉलीफर टैबलेट बोला जाता था, ठीक है। तो उनको डेली 100 डेज के लिए एक टैबलेट जो है वो दी जाती थी अंडर गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर, राइट। तो इस तरह से जो भी अडल्ट बेनिफिशरीज है, ठीक है, उनको 100 mg की टैबलेट जो है वो दी जाती थी, ठीक है, जहाँ पे जो है 100 mg एलिमेंटल आयन उस पर रहता था और 0.5 mg जो है फॉलिक एसिड होता था, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन बच्चे होते थे उनके जो टैबलेट होती है उसमें 20 mg एलिमेंटल आयन होता था और 0.1 mg जो है फॉलिक एसिड होता था, ठीक है। तो इस तरह से हर एक बेनिफिशरी जो है 100 टैबलेट जो है 100 डेज के लिए जो है जो हम बोल सकते हैं सीवियर एनीमिक है, ठीक है, उनको वो दिए जाते थे, ठीक है। उसके बाद में फोर्टिफिकेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो एक फूड फोर्टिफिकेशन एक वन ऑफ द मेन अल्टरनेटिव है, ठीक है, आयरन रिप्लेसमेंट का, राइट। तो यानी अगर फूड से नहीं ले पाते तो ऑब्वियस है एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। तो जो भी फूड हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो ऐसे फूड में जनरली आयरन जो है वो फोर्टिफाइड किया जाता है, ठीक है। पर हम देखते हैं कि जो भी कुछ फूड ऐसे भी रहते हैं जो एक्सपेंसिव रहते हैं जो है इन एक्सपेंसिव ही होते हैं, ठीक है। तो पर उसमें हम देखते हैं कि जो कुकिंग क्वालिटी है, ठीक है, सो उसमें चेंज वहाँ पे आ सकता है अगर फोर्टिफाइड वे में अगर आयरन दे रहे हैं, ठीक है। पर अभी की हम बात करें तो जो भी क्राइटेरियाज है, ठीक है, जो भी हमको फूड मिलता है, ठीक है, सो जो है क्वालिटी कंट्रोल जो है या फिर जैसे फसाइड जैसे एनर्जी है सॉरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वो उनका कंट्रोल होता है कि नहीं, जो भी फूड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें आयरन कंटेंट जो भी आयरन रिच फूड है या फिर जहाँ पे फोर्टिफिकेशन किया जाना चाहिए, ठीक है, सो ऐसे ही जो भी गवर्नमेंटल एजेंसी है, ठीक है, तो उनका काम ये होता है वहाँ पे ध्यान रखना ताकि जो भी जैसे एनीमिया ऐसी जो है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है उसका रेट ना बढ़ जाए, तो ये फोर्टिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। तो अगर इंडिया की अगर बात करें,
वहां पे हम नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी की अगर बात करें तो जनरली जो भी फूड फोर्टिफिकेशन है, ठीक है, तो इसको एज अ मेथड, फूड फोर्टिफिकेशन को एज अ मेथड करके जो है वहां पे जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल करके आपने आयोडाइज सॉल्ट सुना होगा, है ठीक है, जो हर कोई जो है अपने खाने में अभी रहता ही है, तो कोई है फोर्टिफिकेशन, एक्स्ट्रा आयोडीन जो है उसमें डालना. उसी तरह आयन भी जो है बोल सकते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के तहत जो है, ठीक है, तो वो बोल सकते हैं कि नए नए डिफरेंट कंट्रीज में ये टेक्नोलॉजी जो है फोर्टिफिकेशन की वो यूज की है, ठीक है, और जो NIN ने भी रिकमेंड की है. उसके बाद डायट्री डाइवर्सिफिकेशन, सो जो डायट्री डाइवर्सिफिकेशन, इसका एम क्या है कि जो भी डेफिशिएंट पॉपुलेशन है, ठीक है, वो जो भी रिच आयरन रिच फूड है, राइट, तो उसको किस तरह से एक्सेस कर सके, उस तरह से जो विटामिन सी रिच फूड है उसको किस तरह से एक्सेस कर सके, ठीक है, तो वो हम बोल सकते हैं कि इसका एक एम है. ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं कि जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जो भी हम कितनी बहुत कॉमन है, ठीक है, सो ऐसी नीडी पॉपुलेशन है कि जिनको चीपर वे में जो है फूड जो है अवेलेबल होना चाहिए ताकि जो भी डिसीज है एनीमिया, ठीक है, उसको वो प्रिवेंट कर सके, ठीक है, तो जैसे तो उनको जो है हम घर पे ही बता सकते हैं कि जैसे होम गार्डनिंग है, ठीक है, या फिर जो नीडी पीपल है जिनको चीपर वे में चाहिए तो हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, तो ऐसी जो स्ट्रेटेजीज है ये सब वो इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं. टैबलेट खत्म हो गई, टैबलेट्स खत्म हो गई, वर्टिगो वाली, इसका माइक ऑन है, ठीक है, सो वही है कि जो नीडी पीपल है, ठीक है, तो उनके लिए कुछ ऑप्शंस है जैसे होम गार्डनिंग है, हॉर्टिकल्चर है, जिसमें चीपेस्ट वे में उनको जो भी इंटेक है वो अपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हम बोल सकते हैं कि फोर्टिफिकेशन, अगर फोर्टिफाइड फूड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये जो है ऑप्शंस जो है उनके पास हो सकते हैं. बात एजुकेशन की अगर बात, ठीक है, 5 मिनट, 5 बजे, तो एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन में किसका आवाज आ रहा है पता नहीं, ठीक है, तो कम्युनिटीज में, ठीक है, जो भी इलिटरेट पर्सन है, ठीक है, जो भी हम बोल सकते हैं कि जो कि उनको पता नहीं कि न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस क्या है, उनमें न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा है, ठीक है, उनको डाइट और डिसीज में का रिलेशन नहीं पता, ठीक है, तो ऐसे लोगों में, ऐसे कम्युनिटी में एजुकेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है, राइट, सो उनको एजुकेट करना, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है, जैसे अभी एनीमिया है, ठीक है, तो उनको आयन का इम्पोर्टेंस बताना, ठीक है, उनके जो भी हम बोल सकते हैं कि वो इजीली एक्सेस कर सके, ठीक है, उनके आजू बाजू में जो भी अवेलेबल फूड है, ठीक है, वो इजीली अफोर्ड कर सके, ठीक है, तो ऐसे फूड जो है उनको सजेस्ट करना, ठीक है, जो हेल्थ वर्कर का काम होता है, ठीक है, तो उनको सजेस्ट करना, ठीक है, ताकि उस एरिया में जो है, ठीक है, उन कम्युनिटीज में जो है, ठीक है, एनीमिया कंट्रोल में ला सके, ठीक है, तो ये किस तरह से होगा, और उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को जानते हुए, ठीक है, उनको अवेयर करते हुए और उनकी प्रॉब्लम जानते हुए उनको उससे रिलेटेड जो भी सजेशन है, एडवाइस है, ठीक है, वो देना, उनको एजुकेट करना, ठीक है, उसके साथ में उनके बिहेवियर को चेंज करना, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से जो है हम एजुकेशन के थ्रू जो है, ठीक है, वो चेंजेस ला सकते हैं, राइट, उसके बाद में जब हम देखते हैं कि सॉरी हेल्थ केयर की अगर बात करें, ठीक है, तो हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो भी जैसे पैरासिटिक इन्फेक्शन है, ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन है,
जैसे फूडबॉर्न डिजीज वगैरह हम कहते हैं, ठीक है, या फिर जैसे हमने अभी यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है, जो आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है, जहाँ पे ब्लड लॉस होता है, जो भी आरबीसी हो है वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, तो उनके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, जो भी हम बोल सकते हैं कि एनीमिया में हम ये भी देखते हैं कि डायरिया कंडीशन देते हैं, ठीक है, और इन्फेक्शन होने के कारण मलेरिया का खतरा बना हुआ रहता है, क्योंकि जो ऐसी कम्युनिटीज होती है जहाँ पे पुअर फूड हैंडलिंग वगैरह, उसकी वजह से भी हो सकता है ये, ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें, डायरिया को कंट्रोल करना, ठीक है, और जो है अच्छी ट्रीटमेंट लेना, तो एनीमिया जो है सिग्निफिकेंटली कंट्रोल हो सकता है वहाँ पे, राइट, तो सिग्निफिकेंट ऐसे सॉरी मैंने साइमल्टेनियस जो एजुकेशन, ठीक है, कम्युनिटी को देना, ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है ताकि वो जो भी डिसीज कंडीशन है, ठीक है, वो उनसे प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, और एनीमिया को कंट्रोल कर सके. के बाद में डिटरमिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस ऑफ वीएडी, सो डब्ल्यूएचओ और आईवीएसीजी इंटरनेशनल विटामिन ए कंसल्टेटिव ग्रुप रिकमेंडेड द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू डिसाइड द पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस ऑफ वीएडी इन एनी एरिया, ठीक है, सो ये जो हम बोल सकते हैं प्रीवेलेंस रेट है सेरेप्टोमिया और विटामिन ए डेफिशिएंसी डिफाइनिंग पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस, ठीक है, सो इनका परसेंटेज जो है प्रीवेलेंस का दिया हुआ है, जो भी साइंस एंड सिम्टम्स है बायोकेमिकल इंडिकेशन से उनका परसेंटेज ऑफ प्रीवेलेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, सो नाइट ब्लाइंडनेस है जिसका रेट है 1.0%, विदाउट स्पॉट है ग्रेटर देन 0.5%, कॉर्नियल सिरोसिस है ग्रेटर देन 0.01%, कॉर्नियल स्कार रिलेटेड टू सेरेप्टोमिया जिसको ZS बोलते हैं या फिर एक्सेस बोलते हैं, तो वो है ग्रेटर देन 0.05, ठीक है, और लास्ट है सीरम रेटिनॉल लेवल लेस दैन 10 μg/dL, ठीक है, सो ये जो हम बोल सकते प्रीवेलेंस रेट जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, विटामिन ए डेफिशिएंसी या फिर सेरेप्टोमिया का पब्लिक हेल्थ, ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है. मैंने विटामिन ए का लिख दिया था यहाँ पे, गलत स्लाइड यहाँ पे ये हो गई है, अरे गलत स्लाइड हो गई है, इधर की उधर हो गई स्लाइड, ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रिवेंशन ऑफ आइडिया के तक, ठीक है, ये हमने सब्जेक्ट दिया आज, ठीक है, तो आज मैं इतना ही क्लास लेने वाली हूँ, ये कल हम जो है नेक्स्ट आयोडीन डेफिशिएंसी डिसीज जो है वो देखने वाले हैं, ये मैंने स्लाइड जो है विटामिन ए का जो है यहाँ पे डाल दिया था वो बता रही थी, वो नहीं है, ठीक है, आईडीए प्रिवेंशन ऑफ आईडीए तक जो है, ठीक है, ये जो है किस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हो सप्लीमेंटेशन के थ्रू, फूड फोर्टिफिकेशन को डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू और हेल्थ केयर के थ्रू, ठीक है, तो ये प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट जो है ये हमने देखा, और साइंस एंड सिम्टम्स जो मैनिफेस्टेशन है वो हमने देखे, तो ये पूरा जो है आयरन डेफिशिएंसी डिसीज जो है एनीमिया ये हमने आज पूरा कर लिया. कल जो है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसीज जो है, ठीक है, सो वो हम देखेंगे, सो आज मैं यही रुकती हूँ, ठीक है, ये लैपटॉप जो है वो बड़े भाई को चाहिए इसलिए, ठीक है, उनका थोड़ा काम है तो इसकी वजह से, ओके, तो मैं यही पे स्टॉप कर देती हूँ, फिर कल जो है आईडीडी आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे, ओके, सो थैंक यू प्रेजेंट रहने के लिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल.
रागिनी आवाज आ रही है आपको? रागिनी सहारे आवाज आ रही है आपको?